नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम नजर डालेंगे पिछले सप्ताह की कुछ खास गतिविधियों पर। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। गुना जिले में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी के मार्गदर्शन में मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय पीजी कॉलेज गुना, पॉलिटेक्निक कॉलेज राघोगढ़ और उत्कृष्ट विद्यालय वीनागंज में दिया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। गुना जिले में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत कई गतिविधियाँ संचालित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण राठी के मार्गदर्शन में मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय पीजी कॉलेज गुना, पॉलिटेक्निक कॉलेज राघोगढ़ और उत्कृष्ट विद्यालय वीनागंज में किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों ईवीएम मशीनों के रैंडमाइजेशन का कार्य राजनीतिक दलों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में दिया गया। मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों की यदि बात की जाए तो जिले में प्रतिदिन निर्धारित कैलेंडर अनुसार कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें मतदाता जागरूकता रैली, मानव श्रृंखला, मतदान की शपथ, विद्यालय और महाविद्यालयों में भाषण, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता, 18 वर्ष आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं द्वारा मतदान की अपील कर स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही 50@230 अभियान के तहत गुना जिले में जिन स्थानों पर विगत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, वहाँ जिला प्रशासन द्वारा ज्यादा फोकस करते हुए मतदाता जागरूकता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का नवाचार किया गया है, जिसके तहत जिले के 635 मतदाताओं द्वारा घर से ही मतदान करने की सहमति दी गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के मकसद से सभी तैयारियां सुचारू रूप से जारी हैं। हाल ही में चुनाव तैयारियों को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पेश एक रिपोर्ट। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का सतत भ्रमण करें, साथ ही इन मतदान केंद्रों से जुड़े मतदाताओं को भरोसा दिलाएं कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कलेक्टर श्री सिंह ने इस दौरान मोबाइल फोन से अति संवेदनशील क्षेत्र में मतदाताओं से चर्चा की और साथ ही भरोसा दिलाया कि वे 17 नवम्बर को निडर होकर वोट डालने जाएं। इस बैठक में जानकारी दी गई कि मतदान दलों को सामग्री का वितरण एमएलबी कॉलेज परिसर से किया जाएगा। बैठक में पोस्टर, बैलेट पेपर, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा, सी विजिल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निराकरण, कम्युनिकेशन प्लान सहित निर्वाचन से जुड़ी अन्य तैयारियों की भी समीक्षा की गई। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन अथवा निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम में सी विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऑनलाइन ऐप शुरू किया गया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा। सी विजिल ऐप पर फोटो अथवा वीडियो डालकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट की समयावधि के भीतर किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा जिला स्तरीय सी विजिल ऐप दल गठित कर 24 घंटे के लिए 3 पालियों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहली पाली के लिए जीडीए के सहायक यंत्री मंगेश इंदुलकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए जिला स्तरीय कंट्रोलर मंगेश इंदुलकर ने बताया कि 11 अक्टूबर से शुरू हुए सी विजिल ऐप में अभी तक 100 से अधिक शिकायतें दर्ज कर उनमें से यथोचित शिकायतों का निराकरण किया गया है। ये सी विजिल शिकायतों के लिए ऐप बनाया गया है। यहाँ पर 14 ग्रामीण से लेकर 19 डबरावार 15, 16, 17, 18, 19 अलग अलग विधानसभाओं के ऐप पे कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है। वो शिकायत हम लोगों पे आती है तो हम लोग उसको FST को पहुंचाते हैं, क्राइम उसको टीम है, तो वहाँ पर वो उन लोगों को 100 मिनट में ठीक करके हमको कुछ भी करना पड़ता, नहीं तो वो आरओ के पास पहुंच जाती है। तो ये 11 तारीख से चालू हुआ है तो 100
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में जिले की अनुमानित कुल जनसंख्या लगभग 25,21,841 में से ग्वालियर जिले के 16,25,768 मतदाताओं को 6 विधायक चुनने का अधिकार है। जिले के कुल मतदाताओं में से 8,59,446 पुरुष मतदाता, 7,66,263 महिला एवं 59 अन्य मतदाता शामिल हैं। जिले में 18 से 19 वर्ष तक के 48,011 मतदाता हैं, जो विधानसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। हमारे हरदा संवाददाता ने बताया है कि जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले में 2 विधानसभा जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रशासन की टीम लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट बनाकर निगरानी दलों के माध्यम से आने जाने वाले वाहनों की निगरानी की जा रही है। अभी तक दल ने करीब 12 लाख रूपए नकदी और कुछ अवैध सामग्री जब्त की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हरदा जिले में हो चुकी है। जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके लिए प्रशासन की टीम लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाकर स्थितिक निगरानी दलों के माध्यम से आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। अभी तक दल ने करीब 12 लाख रुपए नकदी और कुछ अवैध सामग्री जब्त की है। हरदा जिले में अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन जमा कर दिए गए हैं, जिनकी कल समीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने और चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई 2 नवंबर को होगी। उधर प्रशासन ने मतदान के दिन 17 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार कौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान के बाद पूरे नर्मदापुरम जिले में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बहरहाल प्रदेश में हाई प्रोफाइल जिले की मुख्य विधानसभा सीट नर्मदापुरम में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ एक ही सीट पर 2 सगे भाइयों को भाजपा और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान उसे सफल बनाने के लिए जनपद पंचायत नर्मदापुरम की सभी ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, मानव श्रृंखला, भजन गायन, दीवार लिखन, ईवीएम मशीन का प्रदर्शन सहित रंगोली, वाद विवाद और खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसी स्वीप गतिविधियां की जा रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के साथ नर्मदापुरम में भी सियासी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों का आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में जहां उच्च स्तरीय बैठकों, मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप, ताबातोड़ दौरे, जिला सम्मेलन आदि हो रहे हैं, तो वहीं सक्रिय अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने स्तर पर चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की क्या स्थिति रही थी, इस पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। पिछले चुनाव में जिन सीटों को गंवाया था, ऐसी पार्टियों ने वहां जीतने के लिए ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है। इधर नई मतदाता सूची के अनुसार जिले में 9,40,000 से कुछ अधिक के करीब पुरुष, महिला और अन्य मतदाता हैं। इनमें 43,500 से अधिक 18 से 19 वर्ष आयु के युवा शामिल हैं। जाहिर है चुनाव के ऐसे माहौल के चलते मतदाताओं में खासा उत्साह है, खासकर उन युवाओं में जो पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। उनका उत्साह यहां की चारों विधानसभा नर्मदापुरम, सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में होने जा रहे मुकाबले को लेकर दिख रहा है। विशेष तौर पर उनकी उत्सुकता को यहां चारों में से एक सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाले दिलचस्प और मुख्य मुकाबले ने और बढ़ा दिया है। दरअसल सबसे रोमांचक चुनावी मुकाबला नर्मदापुरम विधानसभा में होना है, जहां मौजूदा भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा को सीट बरकरार रखने उनके ही सगे बड़े भाई और कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा से सामना है। पिछली बार भी उन्हें अपने राजनीतिक गुरु सरताज सिंह से चुनाव लड़ना पड़ गया था। बहरहाल चुनाव का परिणाम भाजपा या कांग्रेस जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन माना जा रहा है कि यह सीट पिछले 33 सालों से क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे और नर्मदापुरम में बगीचे की राजनीति की तौर पर पहचाने जाने वाले शर्मा परिवार के पास ही रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। जबलपुर में विधानसभा चुनाव परवान चढ़ने लगा है। नाम निर्देशन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि के बाद अब प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो चला है। हालांकि कुल कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, यह स्थिति नाम वापसी की तिथि यानी 2 नवंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। और ब्यौरा दे रही हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी।
चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। वहीं अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने सभी दलों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप और बहुजन समाज पार्टी समेत अनेक क्षेत्रीय दलों के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जबलपुर पहुंचकर पार्टी के संभागीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नाराज नेताओं को मनाने के साथ ही डैमेज कंट्रोल करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब कमल नहीं कमलनाथ की सरकार बनाना है। इसी प्रकार अनेक राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 18,67,841 मतदाता हैं, जो जिले की 8 विधानसभा में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं जिले में 2,120 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें 471 मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील हैं, जहां पुलिस ने पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं संस्कारधानी में चुनाव के दौरान कई प्रकार के नवाचार भी किए जा रहे हैं, जैसे मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली बनाने की कवायद की जा रही है। तो वहीं चुनाव में 80 वर्ष से अधिक और 40% से अधिक दिव्यांगों को घर से मतदान की सुविधा पोस्टल बैलेट के माध्यम से दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने बताया कि चुनाव में जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में 37,372 दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। लगातार अभी की जा रही है, फिलहाल फॉर्म रिसीव किया जा रहा है, फॉर्म 12 डी रिसीव किया जा रहा है। तो जो पोलिंग पर्सनल हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग के दौरान उनसे आवेदन पत्र भरवा के प्राप्त कर लिया गया है, उसका परीक्षण करके फिर उसमें बैलेट इशू किया जाएगा। और सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर पे ही फैसिलिटेशन सेंटर बना के वहाँ पे पोस्टल बैलेट उनको कास्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से 12D का जो बेसिकली होम वोटिंग के लिए जो फैसिलिटी दी गई है, कल तक लगभग 2000 से ज़्यादा आए थे। एग्जैक्ट फिगर में अभी आपको जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि कल अंतिम तिथि थी उसकी, तो जो फाइनल फिगर आया है उतने फॉर्म हम लोगों को मिले हुए हैं। उन फॉर्म्स का परीक्षण होने के बाद जो फॉर्म पूर्ण रूप से भरे हुए पाए जाएंगे उसमें फिर होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, और ऐसे फॉर्म जो अपूर्ण पाए जाएंगे उसका रिजेक्शन होगा, तो ऐसे वोटर को पृथक से जानकारी दी जाएगी कि उनको होम वोटिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ऐसे वोटर फिर पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सभी वोटर जिनका पोस्टल बैलेट स्वीकृत हो जाएगा कि उनको पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना है, उनको फिर अन्य प्रकार से वोटिंग की सुविधा नहीं होगी, अर्थात वो पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट नहीं डाल पाएंगे, उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोट डालना है। उधर चुनाव के दौरान जिले में निष्पक्ष और निर्भीक होकर शत प्रतिशत मतदान कराने जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। हमारे बैतूल संवाददाता ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बैतूल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों बैतूल, मुलताई, आमला, भैंसदेही एवं घोड़ा डोंगरी में 1,581 मतदान केंद्रों में 17 नवंबर को 12,26,503 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 6,22,301 पुरुष और 6,04,180 महिलाएं एवं 22 अन्य मतदाता शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बेसिक तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट एवं कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया जा चुका है। EVM डेमोंस्ट्रेशन एवं मतदाता जागरूकता का कार्य पूरे जिले में चल रहा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में EVM मशीनों का प्रदर्शन कर इसके उपयोग को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए ग्रामीण सहित शहरी इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।